चिल्ड्रन वेलकम इन हिंदी क्लास। आज मैं आपको हिंदी क्लास में ड से डबरू अक्षर सिखाने जा रही हूँ। ड से डबरू, ये देखिए मैंने बोर्ड पे आपके डबरू का पिक्चर बनाया हुआ है। ड से डबरू, ड से डबरू इसका नाम आता है बजने के काम। ये देखिए ये ड अक्षर मैंने बना दिया है यहाँ पर। ड से डबरू, ड से डमरू इसका नाम आता है बजने के काम। तो बच्चे डमरू आपने देख लिया, ड किस तरह से है ये भी देख लिया आपने। अभी हम लोग लिखने इसको सीखेंगे। आपके कॉपी में इस तरह से लाइन दी हुई है, तो चलिए ये लाइन के नीचे नीचे हम छोटे छोटे इस तरह से खड़ी लाइन खींच लेते हैं। ये देखिए हमने खड़ी लाइन खींच लिया। ये फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है बच्चे, छोटे छोटे लाइन इस तरह से खींच लेना है, ठीक। और इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग आते हैं। जैसे आपने पिछले दिनों पढ़ा था त से टमाटर, तो उसी तरह से हम लोग इस तरह से बनाते जाएंगे। ये देखिए पूरा ट नहीं बनाएंगे, हल्का सा। ये देखिए ये सेकेंड स्टेप में हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। देख रहे हैं बच्चे, ये हमने त तक कंप्लीट कर लिया। अब इसको हम लोग को घुमाना है। थर्ड स्टेप में चलते हैं। थर्ड यहाँ पे पेंसिल रखेंगे, देखिए आखिर में पेंसिल रखेंगे और इसको घुमाते हुए उल्टा ऊपर तक जाएंगे। देखिए यहाँ पेंसिल रखी है, ऐसे घुमाते हुए ऊपर तक जाएंगे। यहाँ पेंसिल रखा, इसको घुमाते हुए ऊपर तक। ये देखिए यू बन गया ड से डमरू। बोलिए बच्चे ड से डमरू, हम लोग क्या बना रहे हैं, ड से डमरू, ड से डमरू। ये देखिए ड से डमरू, ड से डमरू। तो बच्चे ये आपका अक्षर तैयार है, कंप्लीट है। बस एक आखिरी स्टेप और रह गई है कि इसके सिर पे इस तरह से आपको क्या बना देने हैं, टोपी। अक्षर के सिर पे क्या बना दिया आपने, टोपी। और ये आपका बन गया ड से डमरू। ये अक्षर रेडी हो गया और हम चाहेंगे कि आप भी अपनी कॉपी में इस तरह से सुंदर सुंदर अक्षर ड अक्षर बनाएं और मुझे दिखाएं। ड से डमरू इसका नाम आता है बजने के काम। ओके बच्चे, तो हम अगले क्लास में आपको मिलते हैं अगले अक्षर के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।